हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी भयंकर बोरियत मुझे पिछले लॉकडाउन में नहीं हुई थी जितनी मुझे इस लॉकडाउन में हो रही है। खैर एनीवेज, मैंने आज मतलब कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था एक माइक, बोया का माइक। और इससे पहले मैंने एक और माइक ऑर्डर किया था, वो भी बोया का था, लेकिन वो मेरा व्लॉगिंग माइक था जिसमें वायरलेस वाला जो होता है ना, वो वाला ऑर्डर किया था। तो उसमें क्या है कि मतलब जब बैठ के एक जगह वीडियो बनाना होता है ना, तो ज़रा सा फेस वेस इधर उधर करो तो प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पाती। तो इसलिए फिर मैंने एक और माइक ऑर्डर किया था। मैं वीडियो डाल दूंगी, मैंने बोया का माइक की अनबॉक्सिंग शूट करके रखी है, लेकिन अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया, उसका टाइम ही नहीं मिला। ये सबसे बड़ा झूठ हो सकता है कि टाइम ही नहीं मिला। अब टाइम ही टाइम है, ठीक है। आज मैंने फिर मेरा पार्सल जो है वो फ्यूचर फॉरवर्ड से आ गया है। अब जैसे ये मुझे 730 रुपये में अमेज़ोन पे मिल रहा था, बोया का M1 वाला माइक है ये, ठीक है। और अभी जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो वाला जो माइक है वो है बोया का BY M11 वाला जो माइक है, BY MM1 या M11 शायद यही था, कन्फ्यूज़न हो गई, ठीक है। तो अभी ये वाला जो है ये वायर वाला माइक है, जिसमें लेवियर माइक जिसे कहते हैं, और इसमें काफ़ी लंबी वायर है, लेकिन इसकी बोलते क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें क्या, एक जगह अगर आपको वीडियो बैठ के बनाना है, चाहे थोड़ा सा दूर बनाना है, तो वायर काफ़ी अच्छी दी गई है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आप। और मैं बैठी हूँ नीचे, गर्मियों में ना ऊपर नहीं बैठा जाता, सोफे में बहुत गर्मी लगती है, बेड पे बैठ जाओ तो गर्मी 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 लगती है। एसी वगैरह चला नहीं सकते क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एसी तो बिल्कुल मना है, तो इसलिए नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ा ठंडा ठंडा फर्श अच्छा लगता है मुझे, ये देखो। मुझे लगा था कि कोरोना की वजह से पता नहीं आएगी नहीं आएगी डिलीवरी, लेकिन नहीं जी, दे रहे हैं ये। इनका जो शोरूम है ना वो है दिल्ली पीतमपुरा में। एक बार को लग रहा था मुझे कि पता नहीं यार देंगे नहीं, कोविड गाइडलाइंस की वजह से रिस्ट्रिक्शंस होंगी आने जाने में, लेकिन नहीं, डिलीवरीज तो आ रही है। अमेज़ॉन पे नहीं आ रही है ज़्यादातर, किसी किसी प्रोडक्ट की आ रही है, किसी किसी की नहीं आ रही है। इनका जो प्राइस है वैसे और वेबसाइट से कम है, तो मुझे पहली बार लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लोकल माल पकड़ा दें या वैसी चीज़ें पकड़ा दें, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बोया वाला माइक मंगवाया था ना व्लॉगिंग के लिए, तो सही है, अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा, मतलब ओरिजिनल ही है, नकली नहीं है। क्योंकि ऑडियो क्लियर होना चाहिए, मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं अच्छा लगता है। ऑडियो में ज़रा सा भी आपको क्लियर ना आए तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट देने की। वैसे इसकी वॉइस कैसे आ रही है आपको, साउंड कैसे आ रही है? डिलीवरी बॉय से लेने के बाद इसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया था, उसके बाद ही ये मेरे पास आया है, ठीक है। तो ये है इसका पैकेजिंग, लेवियर माइक BY M1। मुझे फ्यूचर फॉरवर्ड पे इसका प्राइस पड़ा था 670 रुपये का, और ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लेने पर ये मुझे पड़ा था 730 या 740 रुपये का, या आई थिंक 750 रुपये का। तो इतना अगर डिफरेंस मिल रहा है तो क्यों ना हम किसी और वेबसाइट से बाय करें, है ना। इनको ना इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और ये काम आ जाते हैं किसी किसी चीज़ में रखने के लिए, क्योंकि मॉइस्चर सोक कर लेते हैं। सॉरी, ये है इसकी सर्विस मैनुअल बुक, और ये है इसका वारंटी कार्ड, ये संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। और ये है इस तरह का पाउच इसमें आया है, और ये है इसकी वायर, ओए होए, ये देखो लंबी चौड़ी अच्छी खासी वायर है। पता है ये वायर जो है 6 मीटर की वायर है ये, और ये है इसका माइक, ये रहा, अच्छी खासी क्वालिटी तो लग रही है। वैसे कुछ भी है कंपनी की चीज़ ले लो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यह है कि क्वालिटी अच्छी मिल जाती है अगर अच्छी कंपनी की लोगे, अच्छी ब्रांड की लोगे। और ये है इसका कुशन। मुझे ना गैजेट्स इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत पसंद है मुझे, मेरे पास अलग अलग टाइप के गैजेट्स हों, चाहे वो कैसे भी हों, छोटे बड़े, मुझे बहुत पसंद है। जबकि इतनी मैं मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे कलेक्शन बहुत पसंद है करना इसका माइक। तो इस तरह से ये माइक लग गया है। डिलीवरी भी इतनी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबी डिलीवरी इन्होंने खींच दी, ये मेरे को मैंने 3 दिन पहले ऑर्डर किया था, और आप देख लो आज 7 तारीख की इसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी थी, और मुझे ये रिसीव 1 दिन पहले ही हो गया। एक इसमें कैमरा के लिए है, और एक इसमें ये फ़ोन के लिए है। और ना आपको बस एक चीज़ है कि इसमें आपको बैटरी लगानी पड़ती है, तो ये बैटरी इसके साथ आई है, तो इस तरह से जो घड़ी वाली बैटरी नहीं होती वो है आती है। अब ये देखो, यहाँ पे आप नीचे कर दोगे इसको तो ये स्मार्टफोन पे चलेगा, और अगर आप इसको बटन को ऊपर ऐसे कर दोगे तो ये कैमरा पे चलेगा। ये इस तरह से ओपन होगा,
इस तरह से लगा लिया मैंने भी, अब इसको वापस से पैक कर दो। हाँ क्लिप दिए क्या इसमें? हाँ क्लिप दिया हुआ है ये, इसको यहाँ पे फिट करने के लिए ये वाला ना। इस वाले माइक्रोफोन से ना आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना लंबा तार कहाँ लटका के घूमोगे। ये तो बस एक जगह आपको बैठ के आपको वीडियो शूट करना है, तो उस पर्पज़ से तो बहुत बढ़िया है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। हाँ ये है ना ऊपर वाला पोर्शन, ये देखो यहाँ पे क्लिप फिट करना है इस तरीके से, बस लगा सकते हो। आप इसको अंदर डाल के लगा लो, चाहे बाहर से लगा लो टी शर्ट से, ठीक है। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। और अभी आप बताना दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी मैं जो कर रही हूँ वो बोया का BY-MM1 वाला माइक है, ठीक है, व्लॉगिंग वाला। और अभी मैं इससे स्विच कर लेती हूँ इसको। तू मेरा वीडियो मत खराब किया गया, कल भी इसने वीडियो खराब कर दिया। देख दूसरा माइक। अरे ये तो गिटार के काम आएगा। गिटार उसके काम है, कैमरा के आएगा ये। ये वो लोग थे जो बीच में डिस्टरबेंस करने के लिए आ जाते हैं। कल भी इसने मेरा वीडियो ख़राब किया था, बीच में नाचने लगा था मैं वीडियो बनाते बनाते, मेरा छोटा वाला भाई है। तो अभी जितनी भी आवाज़ आपको आ रही थी वो ये वाले नए वाले माइक से आ रही थी। तो अभी बताना आप इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। तो आज मैं अपने चैनल पे इसका रिव्यू जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले से स्पॉइलर अलर्ट दे दिया, स्पॉइलर होते कि हाँ मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। हमने इस वाले वीडियो में हमने उसका करके लाइन काट दी। देखा कह रही है कि स्पॉइलर अलर्ट दे दिया आपने। जो बताती रहती है कि आपने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। ओ माई गॉड, ये है BTS का साइन। सिद्धि क्या चीज़ है ये? ऐसा साइन किस चीज़ का होता है? ये हार्ट होता है। Well, I am BTS army. अच्छा के देखी थी एक बार सिद्धू की डायरी, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें BTS से रिलेटेड, मतलब उनके पसंद उनकी नापसंद हर चीज़, मतलब हर चीज़ उसने सिद्धू ने एक मतलब उसमें बनाया हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। इतनी बड़ी फैन मैंने कोई नहीं देखी। दिखाना सिद्धू ज़रा। कह रही हूँ सॉरी आई कांट शो यू। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।